बड़ी भाई को जमीन से उठाकर, एक आम नौकरी करने वाले के, मेरे जो हमारे अंकल है वो नौकरी करते थे, छोटी नौकरी, और यूनिवर्सिटी से उठाकर उनको एमएलए लड़ाया, फिर दोबारा लड़ाया, फिर पार्लियामेंट लड़ाया। कितने लोग हैं पंजाब के अंदर जो टिकट ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रातों रात भाग जाते हैं। इनको तो पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी से लड़के को उठाकर सीधा बना दिया गया। फिर इससे बड़ी बात जिसका राजनीति में कोई एबीसी ना, उसको सीधी टिकट एमएलए की कांग्रेस पार्टी ने दी। आज भगवंत मान जी की कुर्सी के साथ बैठने का मौका ये कांग्रेस पार्टी ने दिया, नहीं तो किसी ने पूछना नहीं था। लाखों लोग घूम रहे हैं, वो ये कहें कि यार मैं जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूं आम आदमी पार्टी के साथ, मेरे मन को लगा कि अब मेरे लिए कांग्रेस में नहीं बात बनेगी, मैं इधर अपॉर्चुनिटी मिली, ये तो लोगों को अच्छी लगेगी बात। ये वही गोल्डी हैं जो रोज भगवंत मान जी को लड़ते थे, वही गोल्डी हैं जो आम आदमी पार्टी की बात करते थे, ये वही गोल्डी हैं जो सुखपाल को, खैरा साहब को स्वागत करते हुए जोर जोर से नारे लगाएंगे। अब क्या हो गया, टिकट नहीं मिली, हमें बुलाया गया, सुखपाल खैरा को अपने घर बनाया गया, उन्होंने कहा मेरा इखलाक है, मैं अपने इखलाक से इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं खैरा की मदद करूंगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है, मेरे नारे लगाए। पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत अच्छा व्यक्ति था।